कि आरजेडी को सबसे पहले इस बात में माफी मांगनी चाहिए कि उनके नेता तो कोरोना काल में थे ही नहीं। बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी है, हम उनका स्वागत करते हैं। आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। कोरोना वायरस लड़ने के लिए अब देश में 16 जनवरी से उसका टीकाकरण किया जाएगा। ऐसे में बिहार से जो एक खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा सत्र, जो बजट सत्र होने वाला है, वो अब छोटा हो जाएगा। जो उसकी दिन है वो छोटी हो जाएगी, और जो जिस तरह से पहले सत्र चला करते थे वो अब नहीं चलेंगे। ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगर विधानसभा सत्र छोटा होता है तो वो विधानसभा का घेराव करेंगे, और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। ऐसे में जब हमने बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे, और निश्चित रूप से जदयू का उनका जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया तो उनको अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं। ऐसा है कि आरजेडी को सबसे पहले इस बात में माफी मांगनी चाहिए कि उनके नेता तो कोरोना काल में थे ही नहीं। पहले आरजेडी ये तो बताए उनके नेता खुद कोरोना काल में कहाँ थे। सर, मंत्रिमंडल को लेकर कब तक फैसला होगा? दूसरा, जब हमने कहा था कि हम कोरोना के टीकाकरण का कार्य करेंगे, आज तो मैं बिहार की सरकार को बधाई देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोगों से किए गए जो वादे थे उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट में उसको करके सुशासन के लिए, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करी है, हम उनका स्वागत करते हैं। ये सरकार कुछ निश्चित लक्ष्यों को लेकर के जिस प्रकार से सेशन को उन्होंने बुलाया है, ये सरकार जनता की सेवा करने के लिए समर्पित है। अब आरजेडी अपने स्वभाव के अनुसार इसके बीच में अगर अवरोध खड़ा करना चाहती है तो आपको दिखता ही है उनकी क्या हालत है। जो आरजेडी वाले बहुत तरह की नासमझी की बातें कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि परिवारवाद से मुक्ति होनी चाहिए, बाकी आपको पता लग जाएगा। तो आपने सुना, साफ तौर पे बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव का कहना है कि जो खुद कोरोना के समय में बिहार को छोड़कर दिल्ली में रह रहे थे तो वो क्या बात करेंगे विधानसभा सत्र की। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनादेश पर इस बार एनडीए की बिहार में सरकार बनी है। तो ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र को लेकर कुछ बयान देते हैं तो ये भी पूरे तरीके से फालतू है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र को छोटे करने को लेकर या कहा है कि वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे, ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। तो अब राजद के तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।